नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नमस्कार न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर में नवरात्रि मनाई जा रही है, कहीं गरबा चल रहा है तो कहीं पर डांडिया खेली जा रही है, रामलीलाओं का आयोजन भी देश के हर हिस्से में हो रहा है। इसी उपलक्ष में आज हम मुंबई के वर्सोवा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं, जहां पर एक रामलीला हो रही है। तो आइए यहां के मुख्य पात्रों और इनके ऑर्गेनाइजरों से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं उनके समक्ष जो इस रामलीला में मुख्य किरदार राम का निभा रहे हैं, जिन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है। ये वृंदावन से हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। हम लोग वृंदावन से हैं और विगत कई वर्षों से रामलीला का, रासलीला का मंचन मम्मी नगरी में हो रहा है और बहुत आनंद आता है। यहाँ के श्रोता भी बड़े रसिक है, बहुत आनंद लेने वाले हैं। कई बार पुराने समय में जब लीलाएं होती थी तो उस समय इतना एक आनंद होता था कि लोग वर्षा के समय भी चेयर अपने सर पे रख कर के लीला का आनंद लेकर के जाते थे। तो इतना अच्छा एक रिस्पॉन्स यहाँ मुंबई नगरी से मिला। वृंदावन से हैं, वहाँ पर भी रामलीलाएं होती हैं, वहाँ पर भी खेली जाती हैं, दिल्ली की जैसी रामलीलाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, फिर भी आप मुंबई आकर रामलीला कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या समानता है या क्या विभिन्नता है वहाँ की रामलीला और यहाँ की रामलीला? वैसे खेलना शब्द हम लोग यूज़ नहीं करते, अधिकतर लोग उस बात को बोलते हैं। रामलीला, राम जी जैसा मर्यादित चरित्र संसार में कोई नहीं है और भारतवर्ष में अभी तो थाईलैंड में भी रामलीला करने के लिए गए और प्राय विशेष रूप से रामलीला को यहाँ सम्मानित किया जाता है। और रहा ब्रज का या मथुरा का एक प्रश्न, तो वहाँ पर एक रासलीला का भी आनंद है और रामलीला का भी आनंद है, क्योंकि ब्रजवासी राम और कृष्ण में कहीं कोई अंतर नहीं मानते। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। केवल राम जी के नेत्र शांत गंभीर हैं और ठाकुर जी के नेत्र चंचल हैं, बस इतना अंतर है। बाकी रामचरित्र और कृष्ण चरित्र में ज़्यादा कहीं कोई अंतर नहीं। फिर भी वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि ब्रज में तो संस्कार है ही, पर कम से कम यहाँ जो लोग उस संस्कार को नहीं जानते, जैसे कि राम जी की मर्यादा। जैसा ही रामलीला 9 दिन के लिए होती है, आप उसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका में है राम की भूमिका, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या कठिनाई आती है या आपको कैसा महसूस हो रहा है राम की भूमिका निभाने में? नहीं, कठिनाई किस लिए आती है, ये तो बहुत आनंद और सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी का, राम जी का चरित्र हमको एक जो कर चुके हैं भगवान, वो हमको करने का एक सौभाग्य मिल रहा है। और जितना हो सके मर्यादा में रह करके हम लोग इन पात्रों का जो है जीवन है उसको मंच पर एक जीने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ठाकुर की कृपा से संभव है, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। मुझे आप जानना चाहेंगे ये प्रेरणा कैसे मिली मच्छरों को इलाज के लिए? कुछ महीने पहले एक हमारे पास एक केस आया हॉस्पिटल में, वो बच्चा डेंगू से पीड़ित था और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल, कॉलेज स्टूडेंट, अंकित उसका नाम, तो हमने एक ट्रस्ट कर दिया और अंकित से उससे घर में उसके 15 साल की बहन जमीन पर पड़ा। मैंने सोचा नहीं, ये एक बच्चा इंसान का जान जीवन ले सकता है, हमारे लिए बहुत खराब है। हम जो हैं हमें कुछ करना है ताकि और कोई डेथ ना हो। हमारी फर्स्ट स्टेज थी 95 से अपने जमुना बाई ग्राउंड में
श्री राम प्रथा समिति द्वारा आयोजित करते हैं और अभी हम 4 साल से श्री शक्ति प्रोडक्शन के नाम से ताल्लुक किया है और हम इसमें शामिल दिखाते हैं और गणपति में पाव बड़ा वितरण करते हैं, फ्री उपचार और हनुमान जयंती करते हैं और संक्रांत पे कंबल बांटते हैं और आदिवासियों को भोजन खिलाते हैं और गरीबों को दवाई दुआना आँखों को ऑपरेशन कराना, ये छोटे मोटे काम हमारे चलते रहते हैं।